अच्छा, ये कह रही हैं दोस्त नहीं है ये, सलमान खान और पूरी फैमिली इनकी बहुत खास दोस्त है, तो थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए। नहीं, मैं दोस्त तो नहीं बोलूँगी, वो मेरे मेंटोर हैं और मैं उन्हें अपना लकी चार्म मानती हूँ। मेरे मेंटोर रहे हैं वो, उनकी वजह से मेरा नाम भी हुआ है। प्रेम रतन धन पायो उनकी फ़िल्म थी। शायद किसी किसी की तकदीरें जुड़ जाती है। मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट खामोशी थी, जब मैं स्कूल में थी तो उसे सलमान खान थे हीरो। मेरी पहली हिट फिल्म प्रेम रतन धन पायो थी तो सलमान खान है। फिर उन्होंने बहुत काम भी दिया, मेरी कैपेबिलिटी को बहुत सराहा, भरोसा किया मेरे काम पे, बहुत कॉन्फिडेंसली मुझे अच्छे अच्छे काम दिए, बड़े बड़े गाने दिए, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझे बुलाने लगे। तो उन्होंने भरोसा नहीं किया होता तो फिर दूसरे भी नहीं करते भरोसा, तो इसीलिए मैं उनको अपना मेंटोर मानती हूँ। मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं छोटी इंसान हूँ बहुत, लेकिन वो मेरे काम को सराहते हैं इसलिए मैं बहुत मानती हूँ उनको। ये आपकी ह्यूमिलिटी है। चलिए, जहाँ ये फैमिली सॉन्ग्स करते हैं ना, वहाँ ये आइटम सॉन्ग्स भी करती हैं। ये जो फिल्म है नॉनस्टॉप धमाल, इसमें ये किसको आइटम नंबर करा रही हैं? अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ करा रही हैं। किसको करा रही? बहुत ही प्यारी सी फिल्म है ये, देखिए आप चेहरे, ये इन सब की मैं फ़ैन रही हूँ, आप सब भी कहीं ना कहीं इनके फ़ैन हो। ये अलग कैरेक्टर है, यू नो इंडस्ट्री में इन्होंने सब ने एक एक नाम लीजिए, राजपाल जी बोलिए या अन्नू जी बोलिए, इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। असरानी जी वो तो इतने मतलब पुराने, कब से इन्होंने काम किया है, हमने बचपन, हमारे हम भी पैदा नहीं हुए तब से, तो ये लोगों ने अपनी जगह बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, तो ये तो हमारा आदर्श बन के रहे हमेशा। जब मुझे इरशाद भाई का कॉल आया तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गई। ही सर यू नो आए एक गाना है जो मैं बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, और जो इनकी गाने की जो क्या नाम है इनका, सॉरी जूलिया, क्या यूलिया नहीं, जॉर्जिया, हाँ, तो देन उन्होंने बताया कि मैं जॉर्जिया को लेना चाहता हूँ। तो मैं खुश हो गई, क्योंकि इसके पहले मैंने जॉर्जिया के जितने भी गाने देखे हैं, मैंने देखा है कि लोगों ने उनको डॉल बना के खड़ा कर दिया, कैमरा घूम गया, उनकी खूबसूरती को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। एक तरीका होता है लड़की को पिक्चराइज करने का कि आप उसको सेक्सी भी बनाओ, सेक्सी भी दिखाओ, और आप उसको मॉडर्स भी दिखाओ, आप उसको ग्रेसफुल भी दिखाओ। तो मैंने हमेशा इनके जो गाने रिलीज़ हुए, मैंने देखा कि वो सिर्फ चल रही है, फिर रही है और सेक्सी लग रही है और सेम तरह की कॉस्ट्यूम पहन रही है। मैं जब उनसे मिली, मुझे लगा एक्सप्रेशन का बहुत स्कोप है। तो इस गाने को जब ऑडियंस देखेंगी तो ये सिर्फ एक आइटम नंबर नहीं, ऐसा लगेगा कोई एक बड़ी फिल्म की बड़ी हीरोइन ने इस गाने को किया है, पूरे एक्सप्रेशन अदाओं के साथ, पूरे ग्रेस के साथ। तो वो मैंने ग्रेस अदाएँ वो सारा निकाल कर लेकर आए इस गाने में, और बहुत खूबसूरत गाना शूट हुआ है। ऑडियंस बहुत खुश होंगी कि क्योंकि एक लड़की जब एक लड़की को शूट करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे एंगल ना बनाऊं जहां पे लड़की के सिर्फ बॉडी को यूज़ किया जाए, बल्कि उसी चीज़ों को इज्जत के साथ, यू नो, बहुत तरीके के साथ शूट किया जाए, तो वो एक लड़की दीवा लगती है। तो मैंने, जॉर्जिया इज़ लुकिंग लाइक अ बिग डीवा इन दिस सॉन्ग एंड ऑडियंस विल लव दिस। बहुत प्यारा गाना है, बहुत चुलबुले एक्सप्रेशंस हैं और बहुत अदाएँ हैं, जैसे ठहरे रही हो, यू नो, वो जो ठहराव के साथ देखना, या उमराव जान में जो एक्सप्रेशन थे, या माधुरी दीक्षित के जो एक्सप्रेशन होते थे, मैंने वो सारे, यू नो, जॉर्जिया पे ट्राई किया एंड शी डिड इट सो वेल। मतलब एक दिन की रिहर्सल, शी वॉज जस्ट सो स्केयर्ड कि मैं चार दिन रिहर्सल करूँगी, मुझे नहीं होगा, बट शी स्टार्टेड रिहर्सिंग विथ मी। एक दिन का रिहर्सल किया हमने और फिर गाना शूट किया, एंड शी डिड फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू द सॉन्ग। वेदर इट्स बिग फिल्म और स्मॉल फिल्म और एनी काइंड ऑफ फिल्म, व्हेन आई डू द सॉन्ग, मेरे लिए फोकस सिर्फ वो गाना होता है। वो किसी भी फिल्म का गाना हो, उतनी ही जान लगाना है, उतनी ही पावर के साथ उसको करना है। और इरशाद भाई जो डायरेक्टर है, उनका जो भरोसा था मेरे ऊपर कि आँख बंद करके आप करिए, मुझे भरोसा है, वो चीज़ भी आपको एज ए टेक्नीशियन दो कदम आगे ले जाती है कि एक डायरेक्टर आप पे इतना भरोसा कर रहा है। एंड ही इज़ अ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर एंड ही हैज़ प्रोड्यूस सम फिल्म्स एंड देन ही गॉट इन टू डायरेक्शन। तो मुझे उम्मीद है ये फिल्म भी बहुत प्यारी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, ये फिल्म अपनी एक ऑडियंस लेके चलेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी अपनी ऑडियंस से सबसे कि ज़रूर देखिए इस फिल्म को, मिस मत करिएगा, बहुत सेंसिबल डायरेक्टर ने बनाई है और इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं, और जो गाना मैंने किया है वो आप ज़रूर देखिएगा।